सियासत में एचडी कुमारस्वामी की जबरदस्त पंचरत्न रैलियां बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ा रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर और जनता दल लीडर गुज़श्ते दो हफ्तों से रियासत के दौरे पर हैं। वो बच्चों, औरतों, नौजवानों और बूढ़ों से मिल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और उनके दुखों को सुन रहे हैं। लोगों ने एचडी कुमारस्वामी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। मजमूई तौर पर जनता दल की मुहिम को लोगों की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिला है, जो कहते हैं कि वो कुमारस्वामी को दोबारा चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान हैं। कांग्रेस लीडर और साबिक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर, जिन्होंने 2018 में कम मार्जिन से कवारता गेरी सीट जीती थी, कुमारस्वामी की रैली को लोगों की तरफ से मिलने वाले जबरदस्त सपोर्ट से परेशान है। परमेश्वर 2013 के असेंबली इलेक्शन में जेडीएस लीडर पी सुधाकर लाल से हार गए थे। कुमारस्वामी की मुहिम ने असेंबली इलेक्शन से पहले सुधाकर लाल के हौसले बुलंद किए हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि यकीन है कि सुधाकर लाल इस बार परमेश्वर के खिलाफ जीत जाएंगे।